स्वामी विवेकानंद के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर सीएम शिवराज ने शुरू किया जन दर्शन यात्रा। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक दिवसीय प्रवास पर आज रीवा पहुंचे हुए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान शहर के कॉलेज चौराहे में स्थित स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर जन दर्शन यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान स्वामी विवेकानंद पार्क में उपस्थित हजारों की तादाद में छात्र एवं छात्राओं ने सीएम शिवराज का अभिवादन किया। 1.5 किलोमीटर के जन दर्शन के दौरान 35 स्थानों पर बनाए गए 35 मंचों से समाज के बुद्धिजीवी, पूर्व सैनिक, व्यापारी और लाडली बहनाओं से सीएम शिवराज ने अभिवादन कर उनका आभार व्यक्त किया। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में सीएम शिवराज के द्वारा जन दर्शन यात्रा निकाली जा रही है। वहीं सीएम शिवराज की जन दर्शन यात्रा आज रीवा पहुंची, जिसके स्वागत में हजारों की तादाद में लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा। रीवा पहुंचते ही सीएम शिवराज सिंह स्वामी विवेकानंद पार्क पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर वहां मौजूद छात्र एवं छात्राओं के अलावा जन समूह से सीधा संवाद किया और यात्रा में शामिल हुए। यात्रा करीब 1.5 किलोमीटर का था, जिसमें 35 स्थानों पर 35 मंच बनाए गए थे। इन मंचों से समाज के बुद्धिजीवी, पूर्व सैनिक, योजनाओं की लाभार्थी तथा व्यापार वर्ग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कई भांजियों ने रक्षाबंधन के मौके पर अपने मामा शिवराज सिंह को राखी भेंट की। जन दर्शन यात्रा कॉलेज चौराहे में स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क से शुरू होकर अस्पताल चौराहे पर पहुंची, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर सीएम शिवराज ने माल्यार्पण कर एसएफ ग्राउंड के लिए रवाना हुए। एसएफ ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल होकर सीएम शिवराज सिंह प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों के खाते में लाडली बहना योजना के अंतर्गत बहनों के खाते में 1,000 रूपए की तीसरी किस्त भेजी। साथ ही 27 तारीख को फिर से बहनों से मिलने का और उन्हें रक्षाबंधन पर उपहार देने का वादा किया है। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद।